आपने एक वीडियो डाली जिसमें आपने ये बताया कि 13 लाख रुपए का पैकेज फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी को मिलता है, लेकिन सर उसमें जो आपने कंडीशंस बताई, जो आपने शर्तें बताई कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर होना चाहिए, देन यू नो एक साल ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, और बहुत सारी 10th में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, रेगुलर कॉलेज से बीकॉम होना चाहिए। दुष्यंत सर मेरी तो हालत ख़राब हो गई सुन के कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ लाएं तो ही हमको पास हो तो हमको अच्छा जॉब मिलता है, 26 की एज के पहले ही हम सीएस कर लें तो कब अच्छा जॉब मिलता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ, अब चाहे वो सीए का कोर्स हो, सीएस का कोर्स हो, सीएमए का कोर्स हो, जो कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं तो उनका बेसिकली एक क्राइटेरिया रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओ, कॉलेज रेगुलर किया होना चाहिए, लेकिन आपने वहाँ पे देखा वहाँ पे आपने एलएलबी नहीं किया होना चाहिए तो भी चलता है वेदांता की जो जॉब की बात मैं कर रहा हूँ। सो बच्चों देखिए, अगर कल की अगर अपन इंटरव्यू उसकी बात करें तो मैं भी डिस्क्वालीफाइड हूँ क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में मैं भी एक ग्रुप दिया था, मैं फेल हो गया था, फिर मैंने दोनों ग्रुप देख क्लियर किया बट डिस्क्वालीफाई तो मैं भी हो गया, भले ही मैं 21-21.5 की एज में सीएस बन गया बट इवन आई वाज डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, और मैं डिस्क्वालीफाइड इसलिए भी है क्योंकि मेरा बीकॉम जो है वो रेगुलर नहीं है, मैंने एक्सटर्नल प्राइवेट बीकॉम जिसको बोलते हैं मैंने वो बीकॉम किया है। ठीक है, सो बच्चों आप एक चीज़ याद रखिए, आपने किस एज में किया है, देखिए आप जल्दी कर लेंगे तो जल्दी वाले को थोड़ा तो एडवांटेज मिलेगा, उसने इतना घसा है तो उसको कुछ तो एडवांटेज मिलेगा, बट बिलीव मी एक साल के अंदर वो कुछ मैटर नहीं करता। तो अगर आपने सीएस 27, 28, 29, 30 की एज में भी किया है, मेरा मानना है कि इससे ठीक है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों, बट इसका नहीं है कि आपके लिए दुनिया ख़त्म होगी। आपने प्राइवेट बीकॉम से किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप प्राइवेट या रेगुलर बीकॉम एक्सटर्नल बीकॉम कर सकते हैं, वो सिर्फ उस जॉब में था, बाकी किसी जॉब मैंने आपके सामने 3-4 जॉब लाए हैं, ये मुंबई की कुछ वैकेंसीज हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ, एक बार हम इन वैकेंसीज में भी देखेंगे कि यहाँ पे वो सारे क्राइटेरियाज हैं क्या जो 13 लाख वाले पैकेज में था। ठीक है, और 10th 12th में 60% या उसके ऊपर का मार्क्स हो बच्चों, खैर मेरे ख्याल से इतना तो आजकल 10th 12th में किसी का भी आता है, लेकिन नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सीमेंस, आपको पता होगा सीमेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, सीमेंस में उनको कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। अब यहाँ पे सैलरी नहीं बताइए बट लेट्स सी, तो पहले उन्होंने जॉब का डिस्क्रिप्शन बताया कि योर रोल एज अ कंप्लायंस ऑफिसर फाइनेंस बिजनेस के, एनबीएफसी में ओपनिंग है बच्चों ये, और आजकल एनबीएफसी में बहुत सारी ओपनिंग्स हमारे सीएस के लिए निकल रही है बच्चों। एनबीएफसी को जो कंप्लायंसेज हैं वो आरबीआई के गाइडलाइंस, आरबीआई के डायरेक्शंस, आरबीआई के नोटिफिकेशंस, वो प्लस कंपनीज एक्ट प्लस जो भी आरबीआई के रेगुलेशंस वगैरह वो, ठीक है, उसके बाद अगर और कोई सेक्टरल रेगुलेटर तो कंप्लाइंसेज एनबीएफसी को काफ़ी सारे होते हैं बच्चों। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, आपके पास 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा सीनियर लेवल का जॉब है तो मेरे ख्याल से इसकी सैलरी 50 लाख के आसपास होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी एंड यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ एंड लीगल एंड कंपेरेबल फील्ड, तो आपके पास कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री होनी चाहिए और लॉ में भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल, सोशल स्किल, नीड टू बी इंक्लूसिव लीडर, प्रोएक्टिव, ये वो, आईटी का ख्याल होना चाहिए, योर रियल आपका काम मुंबई में होगा। फिर उन्होंने बताया सीमेंस फाइनेंशियल सर्विस फुल टाइम जॉब है और कहानी ख़त्म। सो बच्चों जस्ट टेल मी, क्या यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपको लगा यहाँ पे कुछ भी लिखा था उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट ये वो, जबकि ये कंपनी सीमेंस कंपनी है, सीमेंस मतलब बाप बच्चों, बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी, और इसका शेयर ही स्टॉक मार्केट में 2400 का ट्रेड होता है बच्चों, और बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, पता नहीं कोई स्टार्टअप कंपनी है, माइकल पेज भगवान जाने, ये शायद कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, इनका भी जॉब देखते हैं क्या है, रेगुलर परमानेंट, ठीक है, अबाउट आवर क्लाइंट, ये बेसिकली ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो इनका जो क्लाइंट है वो स्टार्टअप कंपनी है, उसने 40 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करें, एनबीएफसी और आरबीआई, देखो सेकंड वैकेंसी भी एनबीएफसी के टर्म्स में है, तो एनबीएफसी वाला इसलिए आपने देखा होगा अपने सिलेबस में एनबीएफसी का काफ़ी जोर दिया है, और जो नया सिलेबस इंस्टीट्यूट का आने वाला है उसमें भी एनबीएफसी की ओर बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है। ठीक है, आरबी व्हाट्स इन ऑफर बच्चों, जॉब समरी में कुछ नहीं दिया है बच्चों यहाँ पे, लीगल आपको यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो लॉ भी नहीं है। सो डजेंट मैटर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, एज कुछ मैटर नहीं करता, वो फ्रेशर को 13 लाख का पैकेज दे रहा है यार, तो कुछ तो उम्मीद करेगा। और देख लो, नहीं दुष्यंत सर आप ना सिर्फ हमको मोटिवेट करते रहते हो फालतू में, ये देख लो यहाँ पे कुछ बताया है, यहाँ पे कुछ 60,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक की सैलरी, सैलरी भी देखो 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो गया, कितना अच्छा सैलरी, अगर 75,000 रुपये तुम्हारे हाथ में आ रहा है मतलब तुम्हारा पैकेज 12 लाख का है। ठीक है, तो ये देख लो, ये देख लो एजेंडा वजेंडा, किसका फ़ोन आ रहा है, आई एम सॉरी मैंने कट किया बिकॉज मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। क्वालिफिकेशन सी एस, सी एस
सीएस के साथ एलबी हुआ तो प्रेफरेबल है, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस, एबल टू वर्क आउट एनी गाइडेंस, तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो यहाँ पे क्या एज है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। सो यार तुम किसी भी एज में क्लियर करो, तुम्हारे पास ये भी है कुछ 6 लाख से 12 लाख तक की सैलरी, विले पार्ले में आपको काम करना है, टीम रिक्रूटर्स, इनका जो क्लाइंट है वो 12 साल का 12 पूरा साल पुरानी कंपनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ठीक है, तो ये बेसिकली ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह काम करती है। सो इट्स अ गुड ओपनिंग बच्चों, बहुत अच्छी ओपनिंग है। क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी विद पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस, 12 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है, 6 लाख 12 लाख, अब वो इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 साल की सैलरी, 2 साल का एक्सपीरियंस और 12 लाख तक की आपको सैलरी मिल सकती है। मतलब आप देख लीजिए हमारा प्रोफेशन कितना ग्रो कर रहा है, और कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए ये वो, आप देख लीजिए प्लीज़ बच्चों, बस वर्ड फाइल में सीवी भेजिए। तो बच्चों दिस इज इट, मोटिवेटेड रहो भाई, पढ़ाई करो, इससे ज्यादा क्या दूं तुमको, कैटरीना लाके नहीं दे सकता, विकी कौशल ले गया है। सो जस्ट पढ़ाई करो और तोड़ दो बच्चों, भगवान राम का नाम याद रखो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और आग लगा दो बच्चों, आग लगा दो, तुम्हारा टाइम आ चुका है, दिस इज द बेस्ट टाइम बच्चो, द गवर्नमेंट इज टेकिंग फाइनेस्ट स्टेप्स, तो बस दिस इज द इंडिया का टाइम बच्चो, तो प्लीज पढ़ाई कर लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पास हो नहीं हुए, अगले अटेम्प्ट में पास हो गए, हिम्मत मत हारो बस। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।